अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आज एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं और आज की वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हैं हम, क्योंकि आज हमारी मामी अमेरिका से वापस आ रही हैं। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट, सबसे पहले मामी को लेके आती हैं। अच्छा बस अभी मैं अपने दूसरे मामू के घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, वो मेरे मामू वीडियो में कभी आए तो नहीं, इंशाल्लाह लेके आएंगे क्योंकि वो बड़े ना फ्रेंडली है। अच्छा अभी ना सुफियान के मोहल्ले के बाहर से रात के ना 2 बजे इधर से गाड़ी निकाली और गाड़ी ला के इधर पार्क कर दी है, इधर से बस निकल रहे हैं। जो उनसे फ्लाइट है ना वो तकरीबन लैंड होने वाली है, आधा घंटा रह गया, 20 मिनट रह गए सुफियान कह रहे हैं। ये ना मामू की कार का मजाक उड़ाता रहता है। अभी मैं दूसरे मामू के घर इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि इधर से भी किसी ने लेने जाना है मामी के साथ, और ये जो उनसे आप स्ट्रीट देख रहे हैं ना, इधर हम मेरा सारा बचपन है ना इस जगह पे, हम ज़्यादा कजन्स का ना बचपन इस गली में ज़्यादा गुजरा हुआ है। और ये जो उनसे स्ट्रीट है ना इसका नाम है नूर अहमद स्ट्रीट, और ये जो उनसे स्ट्रीट है ना ये मेरे नाना बू के नाम पे है। ओए सुफियान किधर जा रहा है? फूल लेने जा रहा है, इसको फूलों की पहाड़ी फूल लेने जा रहे हैं। ये पकड़ फूलों वाली सरकार, वैसे हम एयरपोर्ट आ गए और भी शर्म आ रही है, फूल लेके हर बार की तरह आ गया फूल लेके। अल्हम्दुलिल्लाह मामी से मिल भी ली है और उसका इस्तकबाल भी कर लिया, अब वापस कार में जा रहे हैं और अभी दस ना सीधा घर चलते हैं। यार वैसे एक बात की समझ नहीं आई, आज एयरपोर्ट ना अच्छा खासा रास्ता, पता नहीं इतना सलाब इतनी बम कहां से आ गई है। सही बात है, रात को तलाश नहीं कभी दिखा मैंने। तो यार मामी को ना घर ड्रॉप कर दिया, पीछे आपको कार नजर आ रही होंगी। अभी टाइम हो रहा है 4:30, सुफियान मुझे बाजार की तरफ लेके जा रहा है, अब फजर की जानों का टाइम हो गया, ये मुझे बाजार लेके जा रहा है, कह रहा है कुछ भूख लगी हुई है बाजार को, जैसे कुछ खुला हुआ तो कुछ खा पी लेंगे, इसके यार तो भूख नहीं खत्म होती। पर इस टाइम बाजार सारा बंद है। अभी मैं और सुफियान बाजार से होके आए पर खाने पीने वाला कुछ नहीं मिला, फिलहाल अभी सुफियान के घर के बाहर आ गए हैं और अभी यहाँ पर हल्की हल्की रोशनी स्टार्ट हो गई है। सुफियान अभी यहाँ से जा रहा है अपने घर और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर वॉक करता हुआ। ओके सुफियान अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई उस दिन मामी को एयरपोर्ट से लेकर आने के बाद ना बस सो गए थे और आज कुछ दिन बाद वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे हाथ में आपको बाल नज़र आ रहा होगा, संडे का ये शाम है, काफ़ी मज़े का मौसम हुआ है और अभी मेरे पास ना 2 लड़के सिर्फ ग्राउंड में नज़र आए हैं, दो नुमान नज़र आए हैं। ये दोनों ना लेके आए हुए हैं ये डंडा, आज खेलने वाले हैं गिली डंडा कहते हैं, गिली डंडा खेलते हैं, तो अभी खेलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दाऊद वो लगा यार इंटे जल्दी जल्दी, इस साइड पे सारा घास बड़ा हुआ है, इधर खेलने का इतना मजा नहीं आना, लेकिन मजबूर है फिर भी इस साइड पे खेलेंगे क्योंकि बड़े ग्राउंड में सारे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। जल्दी लगा जल्दी लगा, नहीं नहीं वो लगा दूसरे तरीके से ऐसे।
अभी 8 बजे हैं और शंकर मैंने ग्राउंड से लाके घर बांध दिया है यार। गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा जो भी है एक शॉट भी नहीं लगी। खैर अभी मैंने पहनी हुई है ये किट और अभी मैं जा रहा हूँ खेलने फुटबॉल। जो सब लड़का है उसने मुझे कहा कि आज फुटबॉल का मैच खेलना है, मैं तकरीबन उसके पास जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। साइकिल पकड़ते हैं और जाकर मैच खेल करते हैं फुटबॉल का और आपको भी दिखाते हैं। तो बॉयज इस जगह मैच खेलना भी लाइट्स ऑफ है, लाइट ऑन होगी थोड़ी देर तक। फाइनली ग्राउंड की जो से लाइट सन की ऑन स्टार्ट हो गई और अभी ग्राउंड में कोई इतना लड़के नहीं आए हुए, सिर्फ मैं आई हूँ। किसान अब्दुल्ला आ गया नजर। साइकिल में दूर ही खिलार के ऐसे ही खिलार के चला गया। मैच तो हो गया ख़त्म, हम मैच हार गए। तकरीबन हमें 9-5 स्कोर पड़ा है, पसीना काफ़ी आ गया, शर्ट गीली हो गई है। अब्दुल्ला ने मुझे कैफ़े ले गया था उधर, फिर थोड़ी देर ना अब्दुल्ला के दोस्तों के साथ कैफ़े बैठे, फिर मैंने थोड़ी देर साइकिल राइड की। साइकिल राइड करने का दिल कर रहा था पर पसीना आया हुआ है, शर्ट गीली हुई है, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, फिर मैंने थोड़ी सी साइकिल राइड की है और अब मैं आ गया हूँ घर वापस। वैसे फुटबॉल खेलने का ना आज काफ़ी देर बाद खेलूँ और मज़ा ऐसे ही। A few minutes later. घर आया हूँ, कपड़े शपड़े किए हैं चेंज, मुँह शुद्ध होया है और अभी शंकर के पास बैठा हूँ। शंकर अंदर से मुझे वाजे दे रहा है, इसको मेरे पे ना अभी सही गुस्सा चढ़ा हुआ है, इसने गुस्से में ना ये यहाँ से वो उस कूलर का ना कपड़ा भी खींच लिया है। ये अंदर से बुला रहा है मुझे, इसको ये रोज ना इस टाइम पता क्या खाता है, ये खाता है इस टाइम कच्चा अंडा। अब इसका कच्चा अंडा खाने का दिल कर, इसको कच्चा अंडा देते हैं और इसके चेहरे पे खुशी देखे ना। पहले कपड़ा इससे कर लेते हैं दूर। अभी ना मेरे हाथ में ये अंडा और शंखी मुझे देख रहा है, इग्नोर कर रहा है, लेकिन इसका अंडा खाने का बड़ा दिल कर रहा है। देखा इसने उधर मुँह कर लिया कि मुझे नहीं पता मुझे अंडा देने आ रहे, क्योंकि ये क्या है ये अंडा लाया हूँ। इसका अंडा खाने का बड़ा दिल कर रहा है पर ये ना उधर देख रहा है कि इग्नोर कर रहा है मुझे। और ये अंडा छोड़ना तूने ज़रा भी नहीं है शंकी, ये अंडा इधर आ जा, ये ले तेरे लिए लाया हूँ, आ जा ये ले। कैसे खाते हैं अंडा? ज़रा दो तोड़ के दूँ अंडा तोड़ के दूँ, दो इधर आओ। ये इसको गाजर भी दी हुई है, गाजर ले रहा हूँ शंकी, गाजर ले रहा हूँ। अच्छा खाओ आप, मैं वहाँ से गाजर ले लेता हूँ, खाओ आप गाजर साइड पे कर। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, उधर से गाजर नहीं उठाने दे रहा मुझे। अच्छा तोड़ो अंडा, कैसे तोड़ते हो अंडा, तोड़ो तोड़ो। नहीं जमीन पे मार के कैसे तोड़ते अंडा? ये ना अंडा जमीन पे मार के तोड़ता है, तोड़ दिया इसने अभी, ये वो नीचे फेंक दिया। लो दो सारा अंडा नीचे फेंक दिया, सारा अंडा नीचे फेंक दिया, अंडा नीचे फेंक दिया आपने। अच्छा खा लो खा लो। अंडा ये ऐसे करता है, इसको ना मैं कोली में अंडा डाल के देता हूँ तोड़ के, तो ये नीचे फेंक के खाता है पता नहीं क्यों। अभी ये सारा अंडा इसने खा लेना 2 मिनट के अंदर, इसको अंडा खाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना। बाकी यार आज की वीडियो को मैं कर रही हूँ फिर ख़त्म। मेरे ख्याल से 3रा अंडा खा लिया इसने आज, इसको अंडा बड़ा पसंद है, अंडे पर पता नहीं कैसा इसका दिल आ गया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। और आज का शेर है कि उम्र भर यही गलती करते रहे समरान, धूल चेहरे पर थी हम आईना ही साफ करते रहे। अल्लाह हाफिज़।